ये जो इलाका देख रहे हैं आप, हिंद महासागर का इलाका, इस इलाके में जहां भारत अपनी पैठ बना रहा है, तो वहीं भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और ये खतरा ऐसा खतरा है जिसे अगर तुरंत हैंडल नहीं किया गया तो ये बहुत बड़े रूप में सामने आएगा और भारत की सारी प्लानिंग को खराब कर सकता है। वैसे आपको बता दें, भारत ने अब इस साल का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, इंडोनेशिया के साथ अपने डिफेंस संबंधों को ज्यादा गहरा कर रहा है, तो वहीं फिलीपींस के साथ भारत की बात चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तेजस विमानों के लिए। फिलीपींस ने तो अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करना भी शुरू कर दिया है कि फिलीपींस भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और रक्षा खरीद को बढ़ाना चाहता है। अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुक गई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब फिलीपींस के रास्ते इंडोनेशिया भी चलना चाहता है और इंडोनेशिया भी चीन से लड़ने के लिए न सिर्फ भारत के ब्रह्मोस पर उसकी नजर है, भारत के ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है, बल्कि भारत के साथ मिलकर जॉइंट डिफेंस इंडोनेशिया अपने रिश्ते को भारत के साथ किस तरीके से बढ़ाना चाहता है उसको आप देखिए कि जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ, इंडोनेशिया खास तौर पर भारतीय एम्बेसी पहुंचा अपनी संवेदनाएं दिखाने के लिए। अब इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, इन सारी जगह पे भारत बना रहा है पैठ। इन चीजों को चीन भी बहुत अच्छे से समझ रहा है और चीन भी भारत को घेरने के लिए भारत के जो आसपास के इलाके हैं और आसपास के पड़ोसी हैं उनको अपने कब्जे में ले रहा है। जैसे कि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा तो कर लिया, पर अब श्रीलंका को चीन के चंगुल से भारत काफी हद तक निकाल रहा है और उसके लिए भारत ने ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च नहीं किए हैं, काफी बड़ा अमाउंट लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में श्रीलंका को दिया है, जिसकी वजह से श्रीलंका अब धीरे धीरे भारत की बातें मान रहा है और चीन के खिलाफ कई ऐसे मुद्दों पर खड़ा हो रहा है। पर अगर चीन को भारत को घेरने का सपना पूरा करना है तो चीन को बहुत अच्छे से पता है कि उसे हिंद महासागर में आना होगा और हिंद महासागर में इस वक्त भारत एक शेर की तरह है, एक ऐसे शेर की तरह है जिसके पास चीन की गर्दन दबाने का सबसे बड़ा हथियार है मलक्का स्ट्रेट, जहां से 80% व्यापार होता है चीन का। और भारत को जंग की स्थिति में कुछ नहीं करना होगा बल्कि इस मलक्का स्ट्रेट को बंद कर देना होगा, चाहे वो विस्फोटक से हो या फिर सेना से हो या किसी भी तरीके से। ये बंद हो जाने से कमर टूट जाएगी, चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। और अगर भारत तक पहुंचने की चीन को कोशिश करनी है तो चीन के पास है चारों, एक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिबूती का चीनी नेवल बेस, दूसरा ग्वादर का चीनी पोर्ट और तीसरा लोम्बोक स्ट्रेट या सुंडा स्ट्रेट। अब यहाँ से होते हुए आ तो सकता है, आप सोचेंगे मलक्का स्ट्रेट बंद कर दिया भारत ने तो क्या होगा, सुंडा स्ट्रेट का इस्तेमाल कर लेगा, लोम्बोक स्ट्रेट का इस्तेमाल कर लेगा। पर समस्या ये है कि ये इलाका सुगम यातायात के लिए नहीं माना जाता है। मलक्का स्ट्रेट वो इलाका है जो जहाँ जल स्तर यानी पानी का लेवल इस तरीके का है कि ऊपर से आसानी से जहाज वगैरह पार हो सकते हैं, लेकिन लोम्बोक स्ट्रेट की बात करें, सुंडा स्ट्रेट की बात करें तो ये बड़े वाहनों के लिए, बड़े लेवल के जहाजों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अंदर से कई ऐसे सी माउंटेन है जो पानी के स्तर में काफी ऊपर तक आते हैं। ऐसे में जहाजों का टकराना कोई बड़ी बात नहीं होगी इन सी माउंटेन से। यही वजह है कि मलक्का स्ट्रेट को सबसे ज्यादा सुरक्षित रास्ता माना जाता है। मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए वो पॉइंट है जो चीन की बेहद कमजोर नस है और यहाँ इस कमजोर नस के दबने का मतलब है चीन की हार। यही वजह है कि भारत यहाँ पर अंडमान निकोबार के आसपास अपने सेना की तैनाती रखता है। बाकी ये जो इलाका है यहाँ पे इंडोनेशिया फिलीपींस के साथ अपनी न सिर्फ दोस्ती बढ़ा रहा है बल्कि अपने हथियारों को देकर इन्हें मजबूत भी बनाने की राह पर चल पड़ा है। अब चीन ने भारत को तोड़ने के लिए एक बड़ा रास्ता अपनाया है और इस रास्ते के तहत चीनी सबमरीन भारत के बेहद करीब पहुंच गई है और ये चीनी सबमरीन कहीं और नहीं बल्कि म्यांमार
म्यांमार पहुंची हुई है। और आपको बता दें, जब ये चीनी सबमरीन म्यांमार जा रही थी तो इन्हें सुरक्षा प्रदान किया म्यांमार की नेवी ने, जो बता रही है कि चीन बहुत ज्यादा घुसपैठ कर रहा है म्यांमार में। इसके अलावे म्यांमार के अंदर इंटरनेट फायरवॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी म्यांमार के सेना प्रमुख ने चीन को दिया, जबकि दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से जान रही है कि चीन इस वक्त बिल्कुल भी सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। चीन जब किसी के नेटवर्क में घुस गया है, मतलब उसके संवेदनशील डेटा पर हक हो जाएगा चीन का, फिर भी म्यांमार ने ऐसा किया है। वैसे आपको बता दें, चीन ये कह रहा है कि इस सबमरीन को वो म्यांमार को गिफ्ट कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी निकल कर सामने नहीं आई है। वैसे आपको बता दें, भारत ने भी एक किलो क्लास की सबमरीन म्यांमार को गिफ्ट की थी, पर इस समय भारत शांत नहीं बैठा हुआ है, बल्कि भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला हाल ही में म्यांमार गए हुए थे चीन की इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए। अगर चीन म्यांमार के इस हिस्से पर पहुंच जाता है और म्यांमार के साथ अपनी दोस्ती और सांठगांठ बढ़ा लेता है, तो इसका असर ये होगा कि चीन यहाँ पर एक बेस बना लेगा, और चीन जब यहाँ पर बेस बना लेगा तो मलक्का स्ट्रेट को रोकने के लिए अगर भारत कोई भी कदम उठाएगा, तो फिर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल करके और म्यांमार का इस्तेमाल करके सीधे भारतीय सेना पे हमला बोल देगा चीन। चीन की प्लानिंग यही है, यही वजह है कि म्यांमार के साथ अपनी सांठगांठ को चीन बढ़ाता जा रहा है। और न सिर्फ सांठगांठ को बढ़ाता जा रहा है, बल्कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि म्यांमार से होते हुए कई आतंकी उग्रवादी संगठन भारत में घुस सकते हैं। इसे लेकर भारत को सचेत भी किया गया है एक्सपर्ट के जरिए। वैसे में चीन इन संगठनों को और ज्यादा पैसे देकर और हथियार देकर भारतीय सीमा पर उपद्रव मचा सकता है। खैर, ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा हुआ है, बल्कि भारत जहां अपने सेना को मजबूत कर रहा है, तो वहीं म्यांमार के साथ भी अपने संबंधों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि हर्ष श्रृंगला तुरंत से म्यांमार पहुंचे थे, पर भारत को अब करना होगा यहां पे एक बड़ा धमाका, और इस धमाके के लिए अमेरिका का साथ होना भारत को बेहद जरूरी है। अमेरिका ने जो म्यांमार के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों का असर ये हो रहा है कि म्यांमार चीन की तरफ झुकता जा रहा है। ऐसे में भारत को कोशिश करनी होगी कि जल्द से जल्द अमेरिका की मदद से इन प्रतिबंधों को हटाए, ताकि म्यांमार फ्री हो सके, और म्यांमार एक बार फ्री हो तो भारत म्यांमार के संग अपने रिश्तों को सही कर चीन को वहां से बाहर कर सके। वैसे आपको बता दें, म्यांमार के अंदर चीनी प्रोजेक्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है और प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। म्यांमार की जनता खुद भी चीन के प्रोजेक्ट के खिलाफ उतर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या म्यांमार चीन का साथ देगा या भारत का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।